गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने AWS साइड टू साइड VPN का लेक्चर लेके। बेहद दिलचस्प लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर पूरी थ्योरी भी बताऊंगा और उसके बाद आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा रियल टाइम की भैया ये VPN कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है साइड टू साइड। अब जरा पहले हम जरा टर्म को समझ लें कि साइड टू साइड का मतलब क्या है। देखिए, साइड टू साइड का मतलब है दो डेटा सेंटर आप कह सकते हैं, ठीक है, दो डेटा सेंटर आप कह सकते हैं, एक आपके AWS का और एक आपकी कंपनी का। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मेरी कंपनी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, कंपनी का CEO है, वो अपने घर पे है और वो चाहता है कि मैं AWS से एक्सेस ले सकूं, तो हम उस स्पेशल बंदे के लिए एक साइड टू साइड VPN टनल क्रिएट करते हैं, ताकि वो बंदा बिल्कुल अपने इजीली टनल की हेल्प से, उस VPN की हेल्प से कम्युनिकेशन कर सके विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP। वो प्राइवेट IP से ही एक्सेस कर लेगा अपने सर्वर को, उसे जरूरत नहीं है पब्लिक पे जाने की। हम उसके लिए ऐसी टनल बना देते हैं, स्पेशल रास्ता बना देते हैं, जिसमें वो और हमारा क्लाउड जो है AWS, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल मकसद होता है हमारा साइड टू साइड VPN का। साइड टू साइड VPN का मतलब है कि एक तरफ आपका AWS क्लाउड होगा, जैसे कि ये रहा, और यहां मेरी कंपनी का बॉस बैठा है सिंगापुर में, अपने घर में बैठा है, और वो अपने घर में बैठ के चाहता है कि यार मेरे को जो कनेक्टिविटी है वो क्लाउड की मिल जाए। मुंबई रीजन में मेरा क्लाउड में मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, मैं उसे अपने घर में बैठ के एक्सेस कर पाऊं। उसके लिए हम साइड टू साइड VPN एस्टैब्लिश करते हैं। इस लैब के अंदर मैं आपको AWS में ही सिंगापुर में ही एक EC2 इंस्टांस लेकर दिखाऊंगा और उससे एक्सेस करके दिखाऊंगा, बट रियल टाइम में लैब बिल्कुल सेम होगी। अगर आपके पास आपका कोई डिवाइस है, आपके घर में कोई सिस्टम है जिसपे पब्लिक IP आपके पास है, आपके ऑफिस में कोई पब्लिक IP है, आप सेम प्रोसीजर करके उसको VPN के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा, बस हाँ, आपके पास कनेक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक प्रॉपर डिवाइस होनी चाहिए, सारे चीजें होनी चाहिए जो एक नेटवर्क में होती है। अदरवाइज यहां पे लैब के अंदर हम क्या करेंगे, हम AWS सिंगापुर में ले लेंगे और वहां से साइड टू साइड कराएंगे। सारे स्टेप सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा और अब तक की सबसे डिटेल लैब है और सबसे यूनिक तरीके से मैं लेके आया हूं। इसका रीजन ये है कि मैं इसमें आपको छोटे-छोटे स्टेप अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मैंने मेरे सिस्टम में शायद मैंने कुछ अलग से करके रखा हुआ है इसलिए मेरी लैब हो गई, आपकी नहीं हो पाई। मेरी किसी भी लैब में ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैंने बातें लिखी हैं, उसके बाद मैं आपको आर्किटेक्चर भी समझाऊंगा VPN साइड टू साइड का, और उसके बाद मैं आपको वो स्टेप्स भी यहाँ पे लिखवा दूंगा, वो कमांड भी लिखवा दूंगा जो हमें लैब में काम आएंगी, और उसके बाद मैं आपको लैब पे लेके चलूंगा और लैब में देखेंगे कि ये लैब हमें कैसे परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइड टू साइड VPN क्या है। बाय डिफॉल्ट इंस्टेंसेस दैट यू लॉन्च इनटू एन अमेज़न VPC कांट कम्युनिकेट विद योर ओन नेटवर्क। ओन नेटवर्क से मतलब क्या है, मेरी कंपनी का अपना नेटवर्क, वो क्लाउड पे नहीं है, मेरी कंपनी का अलग से है, मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूं ISP के थ्रू किसी पर, मेरा क्लाउड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर मैं अपने नेटवर्क की, अपने घर में अपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी क्लाउड के साथ करना चाहता हूं तो मैं एक साइड टू साइड VPN एस्टैब्लिश कर सकता हूं। तो यह मकसद है हमारी इस लैब का। To enable the communication, you have to establish site to site. यहाँ site to site का मतलब data center to office हो सकता है, data center to data center हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Site to site VPN connection, ठीक है? यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो इस लैब के अंदर हमें एस्टैब्लिश करनी है या कुछ कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा VPN कनेक्शन। तो आपने VPN कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ये क्या होता है, VPN कनेक्शन किसे कहते हैं, ए सिक्योर कनेक्शन बिटवीन योर ऑन प्रमाइसिस इक्विपमेंट। ऑन प्रमाइसिस का मतलब मेरे घर का जो मेरा बॉस है, जो CEO जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका ऑन प्रमाइसिस इक्विपमेंट एंड योर VPC, और वो हमारे VPC जो कि हमारा मुंबई रीजन में है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम VPN कनेक्शन कहते हैं, जो उन दोनों के दरमियान एस्टैब्लिश होगा। VPN टनल क्या होती है, ये एक सिक्योर जो है एनक्रिप्टेड टनल होती है, जिसमें जो भी डेटा जा रहा है वो हमें पता नहीं चलता कि वो किस फॉर्म में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो बिल्कुल मतलब आप ये समझे कि ISP को भी पता नहीं चलता है। एक स्पेशल टनल आप क्रिएट कर देते हैं। एन एनक्रिप्टेड लिंक, देखिए यहां लिखा हुआ है एनक्रिप्टेड लिंक, वेयर डेटा कैन पास फ्रॉम द कस्टमर नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क वही मेरे बॉस का सिंगापुर में जो अपने घर में बैठा है, टू और फ्रॉम AWS, ठीक है।
तो ये वहां से आ भी सकता है डेटा, वहां से जा भी सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। ईच वीपीएन कनेक्शन इंक्लूड टू वीपीएन टनल विच यू कैन साइमल्टेनियसली यूज फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो आप जब ये वीपीएन कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे जब साइड टू साइड वीपीएन आप एस्टैब्लिश करेंगे तो दो टनल हमारी क्रिएट होती है। तो जब हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो वो टनल अप हो जानी चाहिए। अगर वो अप हो गई इसका मतलब टनल रेडी है, डेटा वहां से जा सकता है, ठीक है। और हाई अवेलेबिलिटी के लिए दो बनाई जाती है, एक खराब होती है तो दूसरी चल सकती है आपकी। कस्टमर गेटवे, कस्टमर गेटवे क्या होता है? एन AWS रिसोर्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू AWS अबाउट योर कस्टमर गेटवे डिवाइस। तो कस्टमर गेटवे जो है इसे भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसमें हम वो सबसेट जो सबनेट हमने डिफाइन किया है अपने सिंगापुर रीजन के लिए, मैं लैब में आपको दिखाऊंगा, वो हम यहां पे बता देते हैं ताकि हमारे AWS को ये पता चल जाए कि मेरा कस्टमर किस IP का इस्तेमाल कर रहा है या किस सबनेट का इस्तेमाल कर रहा है और आपने इसके साथ कनेक्ट होना है। तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से इसके थ्रू अपने क्लाउड को या AWS को बता देते हैं। और कस्टमर गेटवे डिवाइस क्या है? जो मेरे बंदा यूज कर रहा है, वो जहां पे वहां जो भी डिवाइस यूज कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई हार्डवेयर यूज कर रहा है, जैसे हमारे केस में हम OpenSWAN सॉफ्टवेयर जो है, एक VPN का सॉफ्टवेयर होता है, वो हम अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे कस्टमर साइट पे, तो उसकी हेल्प से हम उसको एक्सेस करेंगे, तो वो कस्टमर गेटवे डिवाइस कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। सिनेरियो की मैं बात करूं तो ये हमारा सिनेरियो है। हमारी लैब के अंदर भी हम कोशिश करेंगे मुंबई रीजन और सिंगापुर रीजन ही लें ताकि सिनेरियो से सब कुछ मिलता जुलता हुआ चले। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें हमारा एक VPC क्रिएट करना होगा मुंबई रीजन के अंदर। VPC के स्टेप आपको पता है, VPC कैसे क्रिएट होता है, चलिए आप ही बताएं, चले आप बताएं। बिल्कुल सही बोला, पहला VPC होता है, दूसरा क्या क्रिएट करना है, सबनेट क्रिएट करना है, बिल्कुल सही बताया, तीसरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है और चौथा राउट टेबल, वेरी गुड। तो चारों स्टेप आप करने हैं तो वो आप यहां करेंगे, बल्कि वो स्टेप आपको दोनों जगह करने हैं क्योंकि हम जो अपना कस्टमर का एंड लेंगे वहां भी हम एक VPC पहले क्रिएट करेंगे क्योंकि ये लैब हम AWS में ही करके देखेंगे ताकि आप इजिली कर पाए, बट स्टेप सेम होंगे अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में भी करते हैं, ठीक है। तो आपने एक VPC क्रिएट किया, सपोज आपका ये VPC क्रिएट हो गया, उसमें आपने एक सबनेट बना लिया 10 डॉट, सपोज मैं सबनेट का ले लेता हूं 10.1.0.0/16, मैं ये सबनेट ले लेता हूं। तो मैंने ये सबनेट बनाया, राउटिंग टेबल में राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने राउटर की, ठीक है। उसके बाद तीन चीजें आपने एस्टैब्लिश करनी है, एक तो साइड टू साइड कनेक्शन, ठीक है, ये मेरा साइड टू साइड कनेक्शन है, दिस इज माय साइड टू साइड कनेक्शन, ठीक है, या आप इसे VPN भी कह सकते हैं, साइड टू साइड कनेक्शन भी कह सकते हैं। आपने तीन चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाना है, एक साइड टू साइड कनेक्शन बनाना है और एक कस्टमर गेटवे बनाना है। तीनों के तीनों आपने मुंबई रीजन में बनाने हैं। देखो यहां कस्टमर गेटवे दिख यहां रहा है पर कॉन्फ़िगर ये यहीं पर होगा, ठीक है ना। लैब में ये तीनों चीजें मैंने मुंबई साइड में बनानी है, सिंगापुर साइड में मैंने सिर्फ एक मशीन बनानी है एक VPC के अंदर, और मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, और उस मशीन से एक्सेस करना है मुझे अपने क्लाउड को, ये मेरा पर्पस होगा। तो यहां पे मैं तीनों चीजें कॉन्फ़िगर करूंगा, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे भी बनाऊंगा, साइड टू साइड कनेक्शन भी बनाऊंगा और कस्टमर गेटवे भी बनाऊंगा, तीनों चीजें मैं यहां पे बनाऊंगा। और उसके बाद जब सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो आप देखेंगे कि यहां मेरी जो मशीन पड़ी है, यहां पे मेरा जो भी EC2 पड़ा है, वो इस टनल के थ्रू यहां पे एक टनल क्रिएट हो जाएगी यहां पे ना, ये जो टनल है, इस टनल के थ्रू वो बंदा अंदर आ सकता है और यहां पे जो मशीन पड़ी है, जो मेरा डेटाबेस पड़ा है, उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो कनेक्शन हो जाएगा और जो कम्युनिकेशन है वो होने लगेगा, ठीक है। तो साइड टू साइड कम्युनिकेशन होने लगेगा, मेरा क्लाउड को वो बंदा एक्सेस कर सकता है और पब्लिक IP की भी जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट IP से भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि अब तो टनल बन गई है। टनल मतलब आपका खुद का रास्ता है, तो उसके लिए फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप तो टनल के अंदर से जा रहे हैं, प्राइवेट रास्ते से जा रहे हैं, तो प्राइवेट IP से आपका काम चल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये अभी मैं आपको इसके पूरे स्टेप्स भी अभी लिखवा देता हूं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं कि इस लैब के लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ कोड्स की जरूरत पड़ेगी। वो कोड के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी कोड लैब में इस्तेमाल करूंगा वो मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ जाएगी। आप वीडियो के नीचे जाएं, चाहे मोबाइल में देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप पर देख रहे हैं, आप वीडियो की डिटेल्स में जाएं नीचे, आप तो आप जैसे ही मेरे वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको सारा कोड एज इट इज मिल जाएगा जो मैं वहां इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कोड आपको कहां मिलेगा, किधर मिलेगा, क्योंकि ये कोड हम याद नहीं रख सकते और हमें याद रखने भी नहीं होते। रियल टाइम सिनेरियो में भी ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, आप उन कोड को एज इट इज इस्तेमाल करें जैसे जैसे मैं अपनी लैब में कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ और स्टेप्स को देख लेते हैं पहले।
तो सबसे पहले आपको दो वीपीसी क्रिएट करने हैं, एक मुंबई रीजन के अंदर जो आपकी AWS साइट कहलाएगी और एक सिंगापुर रीजन के अंदर जो आपकी कस्टमर साइट कहलाएगी। तो आप दो वीपीसी क्रिएट कर लें, वीपीसी क्रिएट करने के स्टेप आपको पता है। उसके बाद दोनों के अंदर एक एक लिनक्स मशीन बना लें। मशीन बनाते समय यह ध्यान रखें आप कि दोनों जगह आपको तीन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर तीन प्रोटोकॉल रखने हैं, पहला SSH पुट्टी के लिए, दूसरा TCP आपका टनलिंग और VPN के लिए, और तीसरा आपका ICMP पिंग कमांड के लिए, क्योंकि पिंग कमांड ICMP प्रोटोकॉल पे काम करती है। तो ये तीनों आप सिक्योरिटी ग्रुप में ले लें दोनों साइड में, दोनों EC2 इंस्टांस जब आप बनाएंगे। उसके बाद नाउ गो टू मुंबई रीजन, आप मुंबई रीजन में जाएं और ये सारा काम मुंबई रीजन में आपको करना है 7 स्टेप तक। यानी आपको सबसे पहले मुंबई रीजन में वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करना है, वो सब मैं आपको लैब में बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको कस्टमर गेटवे क्रिएट करना है, यहां पे जो आपको IP डालनी है वो आपको सिंगापुर में जो आपका EC2 इंस्टांस है, जो कनेक्टिविटी लेने वाला है, जो बंदा AWS को एक्सेस करना चाहता है, उसकी पब्लिक आईपी यहां पे आएगी। यानी यहां उसकी पब्लिक आईपी इस्तेमाल होगी, AWS को पता होना चाहिए उसे कस्टमर गेटवे को, तब ही वो VPN टनल वहां क्रिएट कर पाएगा। तो इसीलिए अगर रियल टाइम सिनेरियो में आप अपनी मशीन के साथ कनेक्टिविटी साइड टू साइड करना चाहते हैं तो आपके पास पब्लिक आईपी होना जरूरी है। अगर आपके ऑफिस में या कहीं पर पब्लिक आईपी आपके पास है तो आप वहां भी ये लैब परफॉर्म करके देख सकते हैं, विदाउट पब्लिक आईपी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी मशीन की पब्लिक आईपी कस्टमर गेटवे में डालनी पड़ेगी। क्रिएट साइड टू साइड VPN कनेक्शन, ये आप कर ले, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तीसरा स्टेप है ये साइड टू साइड VPN कनेक्शन आप एस्टैब्लिश करें। जब आप ये एस्टैब्लिश करेंगे तो यहां पर आपको सबनेट बताना है अपने सिंगापुर साइट का, जो सबनेट आप वहां पे लेंगे। उसके बाद आप राउट टेबल में जाएं, एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। राउट टेबल तो आपने VPC बनाई थी तब कर दिया था, पर उसमें एक नया स्टेप ये करना पड़ेगा, आपको राउट प्रोपेगेशन में जाके वहां पे टिक करना पड़ेगा, वहां पे जो हमारा कनेक्टिविटी आएगी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की, वो आपको टिक करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो सबनेट है वो दूसरी साइट का, वो अपने आप यहां पे ऐड हो जाएगा। या आप राउट टेबल में जाके मैनुअली भी कर सकते हैं, वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। साइड टू साइड VPN में जाकर जब ये एक बार क्रिएट हो जाए, क्योंकि टाइम लेता है 5 से 10 मिनट का, जैसे ही साइड टू साइड VPN एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपको इसकी एक फाइल क्रिएट होगी, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन वो वहां पे नजर आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि बाकी जो लैब हम करेंगे सारे काम हमें वहां से करने हैं। वहां पे एक प्री शेयर्ड की होती है जो हमें काम आएगी, तो वो हमें वहीं से मिलेगी, तो हमें डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। फिर यहां पे मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं, ये कमांड्स मैं वहां इस्तेमाल करूंगा। अगर किसी वजह से आपको वहां नहीं समझ आ रहा है तो ये कमांड्स यहां भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, हालांकि वहां मैं आपको वन बाय वन इन सब कमांड का मतलब बताऊंगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इस बोर्ड का, ताकि स्टेप्स आपको याद रहें, आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप्स आपके लिए लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ये लैब शायद अब तक की सबसे लंबी लैब होने वाली है, बट क्योंकि ये एक टफ लैब मानी जाती है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं, और अगर ये आप करके दिखा देते हैं उन्हें तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो इसीलिए इस लैब में मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, मैंने सारी चीजें आसानी से आपको बताई हैं कि आप इस लैब को कभी भी कहीं भी रिवाइज कर सके, कहीं भी परफॉर्म कर सके। तो अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम सीधा लैब की तरफ चलते हैं और वहां पे अब ये सब कुछ करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर, और अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूं। इस लैब को करने के लिए हमें दो रीजन का इस्तेमाल करना है, आप कोई भी दो रीजन ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जैक्ट मेरे जो बताए हुए स्टेप्स हैं आप उन्हें कॉपी करें, जिस रीजन को मैं ले रहा हूं आप उसे लें, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं मुंबई रीजन और सिंगापुर रीजन का इस्तेमाल करूंगा। मुंबई रीजन में मैं अपना AWS साइड मान के चल रहा हूं, और सिंगापुर में मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा कस्टमर है। ठीक है, बाकी सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी में बता चुका हूं बोर्ड के ऊपर, तो अब यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुंबई रीजन में आप आ जाएं, सर्विसेज पे क्लिक करें, और यहां अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, VPC क्रिएट करना है। तो आप VPC पे क्लिक करें, यहां पे आपको लेफ्ट साइड में यूर VPC का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करें। यहां अभी एक डिफॉल्ट VPC पड़ा हुआ है, आप अपना खुद का VPC क्रिएट करिए, तो क्रिएट VPC पे आप क्लिक करिए, यहां इसको नाम दीजिए AWS साइट, और इसका जो CIDR लेना है वो आप 10.1.0.0 लें /16 आप लिख दें, और बाकी सब एज इट इज रहने दें, और नेक्स्ट पर क्रिएट पर क्लिक करें। तो ये क्रिएट हो गया है, क्लोज करें। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है VPC का, सबनेट बनाना। तो आप सबनेट पे क्लिक करिए, यहां क्रिएट सबनेट पे क्लिक करिए, यहां इसको नाम दे दीजिए आप AWS साइड सबनेट VPC आपने जो बनाया है AWS साइड वो ले लें आप। प्रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हैं, मैं 1A ले लेता हूं। यहां पे CIDR ब्लॉक आप 10.1.0.0/24 आप कर दें,
और क्रिएट पे क्लिक करें। सबनेट क्रिएट हो गया है, क्लोज पर क्लिक करें। अब आप इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करें, क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करें। यहां पे नाम दे दें AWS साइट IGW और क्रिएट करें, क्लोज करें। अब इसको आप अटैच कर दें वीपीसी के साथ, तो इस सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाएं, यहां अटैच टू वीपीसी पर क्लिक करें, यहां वो वीपीसी सिलेक्ट करें जो बनाया है AWS साइट और अटैच कर दें। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है हमारा राउट टेबल का, तो राउट टेबल पे क्लिक करें, यहां क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करें, इसको नाम दे दें AWS राउट। वीपीसी को वीपीसी में आप AWS साइट वाला जो आपने बनाया उसे ले लें और क्रिएट कर दें। राउट टेबल अभी क्रिएट हो गई है। अब आपको पता है राउट टेबल क्रिएट करने के बाद कौन से दो काम करने होते हैं? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रैक्टिस आप कम कर रहे हैं, ठीक है। दो काम करने होते हैं, राउट टेबल में जाके आपको इंटरनेट गेटवे का राउट बताना पड़ता है 0.0.0, ये अपने आप सजेशन आ जाएगा, आप इसको ही उठाएं। और यहां पे इंटरनेट गेटवे आप सिलेक्ट करें तो आपने जो इंटरनेट गेटवे बनाया है वो आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए। आप इसे सिलेक्ट करें और सेव कर दें। जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा सबनेट एसोसिएशन का, तो आप सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करें, एडिट सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करें। यहां ये सबनेट जो है इसे जस्ट, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, यहां पे आप जस्ट सेव कर दें। मेक श्योर कि यहां पे आपको नजर आ रहा हो एसोसिएटेड सबनेट में ये वाला, ठीक है, आप इसे सेव कर दें। तो मेरा ये वीपीसी पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। इसके अंदर चाहे तो आप एक EC2 इंस्टांस बना लें, वैसे जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं सिंगापुर रीजन में और वहां पर भी सेम काम सबसे पहले कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसे दूसरे लिंक टैब में खोलता हूं, आप भी ऐसा ही करें। आप राइट क्लिक करके ऊपर ओपन लिंक के न्यू टैब करें, तो इससे आपके दो एक साथ खुले रहेंगे, तो आपको इजी रहेगा मुंबई से सिंगापुर में स्विच करना। तो आप इसे न्यू टैब में ओपन करें, तो ये मेरा सिंगापुर रीजन आ गया। देखिए आपको सिंगापुर नजर आ रहा होगा। यहां आप यूर वीपीसी पर क्लिक करें, अगर यहां आपको यूर वीपीसी नहीं दिख रहा है तो सर्विसेज में जाके आप वीपीसी सिलेक्ट कर लें। आई होप इतना लेक्चर्स के बाद ये सब चीजें आपको मालूम हो गई होंगी। तो आप यहां वीपीसी सिलेक्ट करेंगे तब भी वही बात है, यहां लेफ्ट साइड में आपको यूर वीपीसी का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको सिलेक्ट करें। यहां मुझे कस्टमर एंड बनाना है, यानी जहां मेरा ऑफिस है या मेरा बंदा है अपने घर में उसका एंड साइड बनानी है, वहां पे वीपीएन प्रोवाइड कराना है। तो यहां क्रिएट वीपीसी करें आप, तो इसको दे दें कस्टमर एंड आप, क्योंकि ये कस्टमर एंड का है। तो यहां पे CIDR आपको 10.2.0.0 ले लें, वहां पे याद रखना है वहां हमने 1 लिया है, यहां हमें 2 लेना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे 10.2 का चलेगा और वहां पे जो मुंबई में है वो 10.1 है, ठीक है। तो दोनों अलग है क्योंकि /16 लिखा हुआ है, सबनेटिंग हो रखी है। अगर ये चीजों में आपको कोई भी डाउट है तो मेरी CCNA की प्लेलिस्ट में सबनेटिंग के 3 वीडियो पड़े हुए हैं, उन्हें देख लें, ये बात आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। आप क्रिएट पे क्लिक करें। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है सबनेट क्रिएट करना। आप सबनेट पे क्लिक करें, क्रिएट सबनेट पे क्लिक करें, यहां आप इसको नाम दें कस्टमर सबनेट वीपीसी, आपने जो बनाया है कस्टमर एंड वो ले लें। अवेलेबिलिटी जोन आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं कोई भी आप ले लें, 1A ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप ले सकते हैं। यहां पे मैं 24 कर देता हूं, 10.2.0.0/24 क्रिएट करें, मेरा सबनेट बन गया है। तीसरा स्टेप होता है इंटरनेट गेटवे, इसको सिलेक्ट करें, क्रिएट इंटरनेट गेटवे करें, यहां इसको नाम दे दें कस्टमर IGW और क्रिएट करें। यहां अभी ये डिटैच है, आप इसे अटैच कर लें, तो आप एक्शन पे क्लिक करें, अटैच टू वीपीसी करें, यहां आपको कस्टमर एंड जो वीपीसी आपने बनाया नजर आ जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लें और अटैच कर दें। तो ये देखिए अटैच हो गया, ये आपको नजर भी आ रहा है। अब जो लास्ट स्टेप होता है वीपीसी का, वो होता है राउट टेबल क्रिएट करना। तो आप क्रिएट राउट टेबल पे जाएं, यहां इसको नाम दे दें कस्टमर राउट। तो मैं कस्टमर बार बार क्यों ले रहा हूं, इस ताकि आपको ये याद रहेगी ये कस्टमर एंड है हमारा। तो यहां जो वीपीसी है ये आपको कस्टमर एंड लेना है, आपका अपना वीपीसी इस रीजन का जो आपने बनाया है अभी, और क्रिएट आप कर दें, क्लोज करें। तो मेरी राउट टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब इस राउट टेबल को सिलेक्ट करें जो आपने बनाई है कस्टमर राउट, और यहां से इसे ऊपर करें, और यहां दो काम अभी आपको दोबारा करने हैं। राउट पे जाएं, एडिट राउट करें, और क्या करना है यहाँ पे, बिल्कुल सही बताया आपने, 10.0.0.0/0, और यहां क्या लेना है
वेरी गुड, इंटरनेट गेटवे आपको लेना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप जो बता रहे हैं, और जो नहीं बता रहे हैं वो बादाम बादाम खाएं भैया। यहाँ पे सेव राउट पे क्लिक करें आप, तो ये राउट भी आपका सेव हो गया, इंटरनेट गेटवे तक का रास्ता आपने बता दिया है। अब लास्ट स्टेप जो है वो है सबनेट एसोसिएशन, यहाँ आप एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएं। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, देखिए एक सबनेट सिलेक्ट हो गया है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो आपने इसे सिलेक्ट करना है। देखो अब ये गायब हो गया ना, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा, तो मेक श्योर आप इसे सिलेक्ट कर लें तो ये अपने आप यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आप इसे सेव कर दें तो सबनेट एसोसिएट भी हो गया है। तो ये सारे काम मेरे हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अभी एक EC2 इंस्टांस इस रीजन में क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा बंदा है वो मशीन को ही एक्सेस करेगा, ऑब्वियसली वो AWS को किसी मशीन से एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज में जाता हूँ और EC2 पे जाता हूँ, मैं अभी सिंगापुर के अंदर ये मशीन बना रहा हूँ, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मेरा यहाँ पे मुंबई रीजन है, ये सिंगापुर रीजन है। तो अभी मैं सिंगापुर यानी कस्टमर एंड में अपना EC2 इंस्टांस लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं रनिंग इंस्टांस पे जाऊंगा, यहाँ लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको अमेजन की लिनक्स मशीन नजर आ रही है, इसे आप सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे बंदे कहते हैं सर विंडो में बहुत कुछ करा दिया आपने, आप लिनक्स पे भी कराया करें, तो मैं इसीलिए इस लैब को स्पेशली लिनक्स पे करा रहा हूँ, सो दैट आपको कोई मसला ना रहे और आप लिनक्स पे भी ज्यादा काम करना सीख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे T2 माइक्रो आपने ले लिया, आप नेक्स्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ इंस्टांस 1 लेना है, नेटवर्क में आपको अपना VPC सिलेक्ट करना है कस्टमर एंड वाला, जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे सबनेट वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, कस्टमर सबनेट देखो आप। और यहाँ जो ऑटो असाइन पब्लिक IP है, मेक श्योर कि ये भैया आपकी इनेबल हो, इसे आप इनेबल कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, स्टोरेज ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नाम दे दें इसको टैग में नेम, और यहां पे दे दें आप इसे कस्टमर मशीन, हम इसे कह देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहां पे आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लें, इसको नाम दे दें कस्टमर सिक्योरिटी ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन आप इसकी रहने दें, डिस्क्रिप्शन में न्यू लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तीन चीजें यहां आपको लेनी है। देखिए एक चीज आपको मैं और बता दूं, फिलहाल इजीनेस के लिए मैं यहां एनीवेयर कर देता हूं हमेशा, बट आप चाहें तो आप अपना सबनेट आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां पे अपनी IP लिखनी है अगर आपको, तो आप अपनी IP लिख का क्या करेंगे, आप अपनी IP लिख दें या फिर आप अपना सबनेट भी यहां दे सकते हैं, बट क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे आप सभी बिगनर हैं तो आप इजी पहले चीजें करें, अब मुश्किल तो बाद में अपने आप हो जाती है। तो आप पहले SSL सिलेक्ट करें, एनीवेयर कर दें, कस्टम TCP में आप ऑल TCP ले लें, इसे भी एनीवेयर कर दें, बाकी आप बाद में जब एडवांस लेवल पे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने IP को इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीवेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेयर करने का मतलब है मेरा ट्रैफिक सबके लिए ओपन है, जो मैं नहीं चाहता रियल टाइम सिनेरियो में, तो कोई मसला नहीं है। आपको यहाँ अपने सबनेट डालने, अपने CIDR डालने, जैसे मैंने 10.2.0.0/16 बनाया वो मुझे यहाँ एंटर करना पड़ेगा, तो मेरा ही CIDR सिर्फ ओपन होगा नेटवर्क के साथ, बाकी नहीं होंगे, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि टेस्टिंग है और आप बिगनर लेवल पे है, तो मैं आसान तरीका सबसे ढूंढता हूँ आपको सिखाने का, तो आप अभी एनीवेयर डाल दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे, ठीक है। तो अभी हमें SSH, ऑल TCP और ऑल ICMP, ये तीन चीजें सिलेक्ट आप कर लें, और ICMP क्योंकि पिंग अगर आपको कराना है तो ICMP आपको लेना ही पड़ेगा, और जो आप VPN कर रहे हैं उसके लिए TCP प्रोटोकॉल का इनेबल होना भी जरूरी है, और SSH हमारा पुट्टी के लिए होता है, तो ये सारी बातें आपको पता है। आप इसे रिव्यू एंड लॉन्च कर दें, यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करें, यहाँ एक की पेयर आपको लेना है, तो आप एक नया की पेयर बना लें, इसको नाम दे दें सिंगापुर न्यू, ठीक है, मैंने PUR लगाया है स्पेशली जान के, वैसे POR ही होता है और हिंदुस्तानी है हम तो हम पुर लगाते हैं ना, तो डाउनलोड की पेयर करें और यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, तो ये मेरा इंस्टांस लॉन्च हो रहा है। तो अब जब तक ये लॉन्च हो रहा है सिंगापुर रीजन में, अब मैं दोबारा अपना AWS साइट पे चलता हूँ, यानी कि मुंबई रीजन में चलता हूँ, यहाँ पे इसका नाम नहीं आया, इसको नाम दे दो न्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये लॉन्च हो रहा है तब तक मैं मुंबई रीजन में चलता हूँ, ये देखिए मैं मुंबई रीजन में वापस आ गया हूँ, ये मेरी AWS साइट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरी AWS साइट है, ठीक है। यहां पे अब मुझे क्या करना है, आप अब सबसे पहले यहां नीचे आए, यहां देखें आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का अलग से सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, आज इन सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ये तीनों चीजें हमारे काम आएंगी आज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, तो आप इस पर क्लिक करें और ये आपको AWS साइट पे क्रिएट करना है,
समझ आ रही है बात? ये सारी चीजें AWS साइट पे आप क्रिएट करेंगे, और जो VPN कॉन्फ़िगर करेंगे वो वहां EC2 इंस्टांस पे करेंगे सिंगापुर में, ठीक है? तो अभी आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यहां एक बना लें, आप क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे क्लिक करें, यहां आप इसको नाम दे दें AWS साइट गेटवे, ठीक है, और क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे क्लिक करें, क्लोज करें। अब यहां ये आपको डिटैच नजर आ रहा है, ये तो डिलीटेड है, ये मेरा पहले मैंने एक काम किया था तो वहां का नजर आ रहा है आपको, तो आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है। आप इसे देखें AWS साइड वाला जो आपका है, जो अभी मैंने बनाया, तो ये डिटैच आपको नजर आ रहा होगा आप भी अगर लैब कर रहे हैं। और यहां आप एक्शन पे जाएं और इसे अटैच कर दें वीपीसी के साथ, तो अटैच टू वीपीसी पे क्लिक करें, यहां आपको आपका वीपीसी नजर आ जाएगा AWS साइड, इसे सिलेक्ट करें, यहां यस अटैच पे क्लिक करें, तो ये आपका अटैच हो जाएगा। अब इसके अटैच होने के बाद दूसरा काम भी कर लेते हैं, वो हमें क्या करना है, हमें कस्टमर गेटवे बनाना है। तो आप यहां कस्टमर गेटवे पे जाएं, यहां आप क्रिएट कस्टमर गेटवे पे क्लिक करें, कस्टमर गेटवे का नाम आप क्या देंगे, तो आप इसे नाम दे दें CG कस्टमर गेटवे AWS साइट, ये हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना, तो इजी रहेगा। यहां राउटिंग आप कोई भी ले सकते हैं, आप डायनामिक लेते हैं आप डायनामिक ले लें, ठीक है, आप स्टैटिक लेना चाहते हैं आप स्टैटिक ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं। BGP अगर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है आप डायनामिक ले लें, पर हमारे केस में हम स्टैटिक लेते हैं। अब यहां कौन सी IP डालनी है, यहां आपको IP डालनी है जिस मशीन के साथ आप VPN इस्टैब्लिश करना चाहते हैं AWS साइड का। तो वो मशीन मैंने कहां बनाई है, सिंगापुर में बनाई है, तो सिंगापुर में चलते हैं, तो मैं सिंगापुर में आ गया, ये मेरी मशीन, मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये अभी इनिशियलाइज हो रही है बट इसका IP आ गया होगा, तो इसका ये जो पब्लिक IP है इसे आप कॉपी करें, जो सिंगापुर रीजन यानी कस्टमर साइड में आपने बनाई है कस्टमर एंड में, उसके पब्लिक IP को, EC2 इंस्टांस के पब्लिक IP को आप कॉपी करें। अब आप मुंबई रीजन में जाएं, मैं मुंबई रीजन में आ गया हूं, देखो अपने AWS साइड में, यहां आप इसको पेस्ट कर दें कस्टमर गेटवे जहां बना रहे हैं, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट ARN आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आपको डिवाइस की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें खाली छोड़ दें, और क्रिएट कस्टमर गेटवे पे सिलेक्ट करें आप, ये भी मेरा क्रिएट हो गया है, क्लोज पे क्लिक करें, तो ये मेरा अभी क्रिएट हो रहा होगा, अवेलेबल भी आ गया देखें आप, ठीक है। अब जो लास्ट चीज मुझे बनानी है वो है साइट टू साइट VPN कनेक्शन, क्योंकि यही है जो AWS साइट को मेरे कस्टमर के साथ जो सिंगापुर में बैठा है उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो यहां आप जाएं साइट टू साइट पे जाएं, यहां पे आप क्रिएट VPN कनेक्शन पे क्लिक करें, यहां आपने नेम पे जाना है तो आप इसको नाम दे दें मुंबई टू सिंगापुर, ये आप इसको नाम दे दें, ठीक है। अब यहां पे टारगेट क्या लेना है, आपने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लेना है क्योंकि यही हमने क्रिएट किया है अभी। तो यहां पे जैसे ही आप जाएंगे और क्लिक करेंगे आपको वो नजर आ जाएगा जो गेटवे आपने क्रिएट किया है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, देखिए AWS साइट गेटवे मैंने नाम दिया था, इसे आप सिलेक्ट कर लें। कस्टमर गेटवे भी मैंने अभी क्रिएट कर चुका हूं, तो एग्जिस्टिंग पे आप क्लिक करें, यहां आप जैसे ही करेंगे कस्टमर गेटवे आपको नजर आ जाएगा, आप इसे सिलेक्ट कर लें। राउटिंग अगेन आप स्टैटिक लें, स्टैटिक में आप क्या करेंगे, यहां पे कौन सी IP डालेंगे, यहां आपको अपना जो आपका सिंगापुर का साइड है, सिंगापुर की साइड का आपका जो भी सबनेट है आपने वो यहां पे एंटर करना है। तो सिंगापुर साइड का मेरा सबनेट क्या है, 10.2.0.0/16, ये मेरा सिंगापुर की साइट, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी किसको प्रोवाइड कराना चाहता हूं, सिंगापुर के बंदे को कराना चाहता हूं, तो उसका जो सबनेट है वो मुझे यहां एंटर करना पड़ेगा ताकि इसको वो पता चल जाए कि भैया किस बंदे के साथ ये बंदा कनेक्टिविटी करना चाहता है। तो आप उसका सबनेट यहां पे डाल दें 10.2.0.0, ये मेरा सिंगापुर का सबनेट है, ठीक है, तो ये आप यहां पे डाल दें। अब दो टनल ही अपने आप क्रिएट करेगा, तो इसे जनरेटेड बाय अमेज़न यहां लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दो टनल बनाता है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, एक खराब हो गया तो दूसरे से आप जा सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, अब ये आपने कर दिया है, अब आप क्रिएट VPN कनेक्शन पे क्लिक करें, यहां पे क्लोज करें, तो देखिए अभी मेरा जो VPN कनेक्शन है, ये साइट टू साइट जो कनेक्शन है मेरा, ये अभी क्रिएट हो रहा है। एक बार ये अवेलेबल हो जाए उसके बाद हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको डाउनलोड करनी है, उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप बताता हूं। और मेक श्योर कि आप लैब को बिल्कुल वैसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूं, कोई भी स्टेप स्किप ना करें और अपने तरीके से ना करें, अदरवाइज इस लैब में आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिलने का तरीका यही है, बिल्कुल एज इट इज मेरे तरीके से करें, आप पहले पॉइंट्स को लिख लें, याद कर लें, उसके बाद आप करें, ठीक है। तो हम वेट करते हैं अब थोड़ी देर,
जब तक ये अवेलेबल होता है उसके बाद हम आगे के स्टेप करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है साइड टू साइड वीपीएन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो अभी हमारा एक स्टेप रह गया है वो हमारा ये है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ साइड टू साइड वीपीएन में क्या क्या होता है। तो देखिए, ये इसकी डिटेल आपको नजर आ रही है, ठीक है। राउटिंग हमारी स्टैटिक है, ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, प्री शेयर्ड की है, कैटेगरी हमारी वीपीएन की है, ये भी आपको नजर आ रहा है। टनल डिटेल अभी देखिए, दो टनल नजर आ रही है आपको, ठीक है। AWS से दो बनाई हुई है क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी के लिए, एक टनल खराब होती है तो दूसरी चल जाएगी। और स्टेटस क्या है, दोनों का डाउन है, लेकिन जब हम कन्फिगर कर देंगे तो टनल वन का स्टेटस अप हो जाएगा। और यही अगर हमारा अप हो गया, इट मीन्स हमारी लैब सक्सेसफुल हो गई है। तो हमें टनल आके चेक करनी पड़ेगी, अगर ये स्टेटस अप हो गया है तो यानी एक टनल क्रिएट हो गई है मुंबई से लेकर सिंगापुर तक, एनक्रिप्टेड, जहां पे मेरा डाटा बिल्कुल सिक्योर फॉर्म में जाएगा वीपीएन पे, राइट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो टनल यहाँ पे अप हो जानी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। इसके बाद स्टैटिक राउट देखिए, मैंने जो डाला था वो मुझे नजर आ रहा है 10.2, ये मेरा सिंगापुर रीजन का है तो वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें नजर आ गई हैं। इसके बाद अब आप इसी रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर, AWS साइड में अपने राउट टेबल पे जाएं, यहां अपनी राउट टेबल सिलेक्ट करें जो आपने बनाई है AWS राउट के नाम से, यहां ऊपर करें, यहां देखें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा राउट प्रोपोगेशन का, इस पे आप क्लिक करें, यहां एडिट राउट प्रोपोगेशन पे क्लिक करें, तो यहां ऑलरेडी मुझे मेरा AWS साइड गेटवे जो है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वो मुझे नजर आ रहा है। मुझे जस्ट ये सिलेक्ट करना है ताकि जो ट्रैफिक है वो राउट हो सके। मैं उसे रास्ता बता रहा हूं कि भैया आपने जब फलाना सबनेट पे जाना है 10.2.0.0 पे, आप इसके थ्रू जाएंगे, ये गेटवे है, आपने इसके थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये रास्ता बताने के लिए आप यहां पे टिक करके सेव कर दें। तो अभी आप देखिए राउट टेबल में ना आपको दो ही टेबल नजर आ रही है, एक तो 10.1, एक 0.0.0, लेकिन जब मेरा अप हो जाएगा तो वहां का 10.2 भी यहां पर अपने आप अपडेट हो जाएगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो आप राउट प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करना चाहते आप मैनुअली राउट में जाके 10.2.0.0/16 भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। बट फिलहाल आप वही करें जो मैं बता रहा हूं, बाद में आप अपनी मर्जी से करते रहे नई नई चीजें, ठीक है। तो फिलहाल आप राउट प्रोपेगेशन कर लें, ये आपका हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां इसको मिनिमाइज करना है, दोबारा साइड टू साइड पे जाना है, यहां आप अपने मुंबई साइड वाले को सिलेक्ट करें जो आपने क्रिएट किया, और इसके डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन कर लें, तो सारी फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस पे आप क्लिक करें और यहां वेंडर में आप जेनरिक टाइप ले लें और डाउनलोड पे क्लिक करें। तो देखिए मेरी फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, ठीक है। मैं यहां इसको कैंसिल कर देता हूं, अब ये डाउनलोड हो चुका है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां सारी डिटेल मुझे नजर आ जाएंगी मेरी वीपीएन की, जो मुझे काम आएंगी अभी कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसे जरूर आप डाउनलोड कर लें। इसके डाउनलोड होने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जाना है सिंगापुर रीजन में और सारा काम वहां पे करना है। तो मैं सिंगापुर में वापस आ गया हूं, यहां पे ये मेरा इंस्टांस है, तो इसकी पब्लिक आईपी मैं जरा कॉपी कर लेता हूं क्योंकि पुटी से अब हमें इसे ओपन करना है, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूं, मैं पुटी जेन पे चलता हूं और इसकी पहले की जनरेट कर लेता हूं। अगर ये आपको नहीं पता, ये लैब आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पुटी जैन और पुटी ये दोनों आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है। इन दोनों फाइल को पहले आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद जैसे स्टेप मैं बता रहा हूं वैसे आप करें। कुछ भी नया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने पहले से करके रखी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पहले से सारी चीजें करके रखते हैं, आपको जस्ट शो कर देते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जीरो से करके दिखा रहा हूं। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपके लैपटॉप में पुट्टी और पुट्टी जैन नहीं है तो ये सिंपल से सॉफ्टवेयर है, एक एक दो दो एमबी के, आप अपने गूगल पे जाएं इन्हें डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप आगे की लैब एज इट इज करें जैसे मैं आपको करा रहा हूं। मैंने और कुछ नया नहीं किया, कुछ पहले से इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम में, तो वो चीज आप दिमाग से निकाल दें कि कुछ चीज मैं पहले से कर चुका हूं जो आपकी लैपटॉप में नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई भी लैब उस तरीके से नहीं है, मेरी सारी लैब मैं जीरो से कराता हूं, यानी आपको जो भी चीज मैंने करी होगी वो आपको मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो यहां आप लोड पे क्लिक करें, यहां अब आपने डाउनलोड पे जाना है, यहां आपने ऑल फाइल सिलेक्ट करनी है, तब जाके आपको आपकी फाइल नजर आएगी सिंगापुर के नाम से, सिंगापुर न्यू की के नाम से आपको नजर आ रही है। इसे आप ओपन कर लें, ओके करें, अब सेव प्राइवेट की पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, यहां आप डेस्कटॉप पे जाएं, इसको नाम दे दें सिंगापुर, चलो जो भी आ गया है सिंगापुर की, ठीक है, ये आप इसको नाम दे दें और सेव कर दें। सेव कर दिया, इसे क्लोज कर दें। अब आप पुट्टी ओपन करें, पुट्टी पे क्लिक करें, यहां आपने जो अपना आईपी लिया था उस EC2 इंस्टांस का सिंगापुर वाले का, उसकी मैंने यहां पब्लिक आईपी पेस्ट कर दी है,
ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर रीजन में जो मैंने एक इंस्टांस क्रिएट किया उसकी ये पब्लिक आईपी है। फिर आप यहाँ एसएसएच पे क्लिक करें, यहाँ ऑथ पे आप क्लिक करें, प्लस पे क्लिक ना करें, ऑथ के ऊपर क्लिक करें तो देखें यहाँ ऐसा नजर आ जाएगा। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ देखो सिंगापुर की मेरी आ गई है। नाम तो कुछ अजीब सा ही रख दिया है मैंने, पर अच्छा लग रहा है देखने में। ओपन करें इसे, अब इसे आप यहाँ ओपन पे क्लिक करें, यहाँ जहाँ सिलेक्ट हो गई है अब आप ओपन पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, आप यस कर दें। अब देखिए मेरे पास ये ओपन हो गया, लॉग इन एज आ रहा है। यहाँ पे आपको कमांड देनी है EC2-user और एंटर करना है। परफेक्ट है जी, मेरा EC2 इंस्टांस लॉन्च हो गया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे एडमिन राइट्स देने हैं, तो sudo su कमांड देकर आप एंटर कर दें, sudo su एंटर, इसे एडमिन राइट्स मिल गए। अब जरा हम यहाँ पे एक VPN इंस्टॉल कर देते हैं, यम आप लिखें इंस्टॉल, और यहाँ पे हम ओपन स्वैन सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग कर देते हैं VPN के लिए, स्पेस हाइफन y, ठीक है, ये कमांड है यम इंस्टॉल ओपन स्वैन स्पेस हाइफन y, आप एंटर करें। परफेक्ट है जी, यहाँ पे आ गया है कंप्लीट का आपको मैसेज नजर आ गया है, तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी कमांड बड़े ध्यान से मैं बताता जा रहा हूं, कहां स्पेस दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एज इट इज आप करें, बिल्कुल मेरे शब्दों पे ध्यान दें, ठीक है, मेरे अल्फाज ही मेरी पहचान है, ठीक है ना, आपने इधर उधर नहीं होना है, ठीक है, बातों में कहीं इधर उधर हो रहे हैं, सामने नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, लैब भी देख रहे हो, मोबाइल में व्हाट्सएप भी देख रहे हो, फिर नहीं सीख पाओगे आप साइड टू साइड कनेक्टिविटी, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ आप सीखें, ठीक है, एंड में शायरी भी सुनाऊंगा, टेंशन ना लें आप। चलिए तो अब आप कमांड लिखें VIM, स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल का इस्तेमाल कहीं ना करें, स्पेस स्लैश स्लैश आपको ये वाला देना है, आप याद रखें इसे बैकवर्ड कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं वो आप देख ले, मैं कंफ्यूज रहता हूं, /etc/ IPSEC यानी सिक्योरिटी लगा रहे हैं हम, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, डॉट कॉन्फ़िगरेशन के लिए CONF, ठीक है, ये एक फाइल सेव कर रहा हूं मैं VIM में, तो अब इसको एंटर कर दें आप ये कमांड लिखने के बाद, VIM स्पेस स्लैश ETC स्लैश IPSEC.CONF, ये कमांड लिखकर आप एंटर करें तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, मेक श्योर कि ये जो आपको नजर आ रहा है लास्ट में, ये जो आपको लास्ट में नजर आ रहा है इंक्लूड वाला, ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है इसके आगे हैश नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप हटा दें, ये व्हाइट में होना चाहिए, ऐसे ही अनकमेंटेड होना चाहिए, ये स्लैश वो हैश ना हो यहां पे लगा हुआ, तो ये आपको नजर आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने अभी कुछ टाइप नहीं करना है, सिंपली आपने कॉलन टाइप करना है, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट और कॉलन दबाएं आप तो देखिए नीचे आपको डॉट डॉट नजर आ गई है। अब आप डब्ल्यू क्यू एंटर करें और डब्ल्यू क्यू लिखें, एंटर नहीं करना, डब्ल्यू क्यू लिखें और अब एंटर दबा दें, कीबोर्ड का एंटर बटन दबाएं आप बाहर आ गए, ठीक है, यानी हमने वो चीज वहां पे कर दी है, हम उससे बाहर आ गए, तो ये तरीका है, आपने बहुत ध्यान से देखनी है मैं क्या बातें कह रहा हूं, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे नॉन टेक्निकल भी मेरे लेक्चर्स को पढ़ के AWS सीख रहे हैं, तो मेरी सिर्फ बातों पे ध्यान दें आप, आपको मैं आपको पक्का यार AWS का एक्सपर्ट बना दूंगा, भले ही आप BA हो, BCom हो, BSc हो, MSc हो, BCA हो, आप भूपिंदर राजपूत के साथ हैं, बस एक ही गुजारिश आपसे हमेशा करता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार हमें भी दिल खोल के सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप जरूर फेसबुक पे शेयर करें, बस इतनी सी गुजारिश आप सबसे है, अगर आप देख रहे हैं तो अभी इस काम को कर दें, फिर इस लैब को कंटिन्यू करें, हमें भी दिल से अच्छा लगेगा। तो अब आप आगे आए, अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अब आप टाइप करें VIM स्पेस स्लैश ETC स्लैश SYSCTL सिस्टम कंट्रोल डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये आप टाइप करें और एंटर करें, आ गया। अब यहां पे देखिए अभी आपने क्या करना है, आपने अभी इसे मिनिमाइज करना है, यहां पे मेरे पास फाइल पहले से है, ये कमांड्स है मेरे पास, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं नीचे की तरफ, आपको ये सारी चीजें एज इट इज जो यहाँ पे इस पे नजर आ रही है नोटपैड में वहां पे आपको मिल जाएंगी, तो आपने वहां से कॉपी करना है लैब करते टाइम, या आप वहां से कॉपी करके एक नोटपैड में लिख के रख लें, ठीक है, तो ये सारी डिटेल, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी इसी लैब के वीडियो में, तो वहां से आप उठा लें,
तो यहां पे अब आप जाएं और आपने अब जो कमांड उठानी है वो ये उठानी है, ये वाली। इन तीनों को आप कॉपी कर लें, ठीक है? इन तीनों को आप कॉपी करें कंट्रोल सी करके। अब पुटी को ओपन करें और पहले नीचे आ जाएं आप। नीचे आने के लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के जो अप एंड डाउन की होती हैं उन पे आना है, ठीक है? उसके बाद इस पे आगे आना पड़ेगा आपको। और आप यहां पे माउस का राइट क्लिक कर दें, ठीक है? तो मेरी एक कमांड ऊपर ही रहेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड का आई बटन दबाएंगे तो हम यहां पे अब करेक्शंस कर पाएंगे। तो अब मैं ऊपर चलता हूं जरा। एंटर करता हूं तो देखिए नीचे आ गई है, लेकिन अभी ये हैश के साथ आ रहा है, तो हैश मुझे नहीं चाहिए तो मैं बैक कर देता हूं। अब ये हैश चला गया, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया। इसके लिए क्या करना था, कीबोर्ड का आई बटन दबाना होता है, तो देखो इंसर्ट आ जाता है। आपने देखा ना, इंसर्ट आ गया था अभी, तो वो इंसर्ट आ जाएगा। तो अब ये चीज, तो तीनों चीजें आ गई मेरी। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको जरा नीचे ले आए, इसको आगे ले आए आप, अब आप एस्केप दबाएं कीबोर्ड का, दबा दिया। अब आप शिफ्ट दबा के कॉलन दबाएं और डब्ल्यू क्यू टाइप करें, देखें नीचे आने लगा, देखें ध्यान से देखें, ठीक है? अब आप एंटर दबा दें, ठीक है? कमांड हो गई बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने करी है, ठीक है? उसके बाद अब आपने एक कमांड टाइप करनी है, सर्विस स्पेस नेटवर्क रीस्टार्ट, एंटर करें। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है मेरा, परफेक्ट है जी, हो गया, ये रीस्टार्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद अब आप नई कमांड लिखें, वी आई एम स्पेस स्लैश ई टी सी स्लैश आई पी सेक डॉट डी स्लैश ए डब्ल्यू एस हाइफन वी पी एन डॉट कन्फिग, तो CONF तक आपको लिखना है, ठीक है? ये कमांड है, ये आप लिखें। इसके बाद आप एंटर दबाएं तो दोबारा आपको ऐसा पेज नजर आ गया। अब आप इसे मिनिमाइज कर लें, और अब जो मैं करा रहा हूं वो आपको एज इट इज वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, यहां पे जाना है, देखें अब ये नीचे जो कमांड, अभी मैंने ये कमांड लिखी है वहां पे आप देख भी रहे होंगे, ipsec.d/awsvpn.config। अब उसमें ना हमें ये कमांड पेस्ट करनी है, पर चीजें चेंज होंगी क्योंकि ये तो सैंपल है। तो अब पहले वो चीजें आप यही चेंज कर लें, वहां पे चेंज ना करें, उसमें मसला होता है बहुत सारा, जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है वहां पे करेक्शंस करने में। तो आप पहले इसे यहां से कंट्रोल सी करें, उसके बाद इसे आप मिनिमाइज कर लें, यानी इसे कॉपी कर लिया मैंने। अब यहां मैं एक नया नोटपैड क्रिएट करता हूं, न्यू में जाके, ठीक है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, यहां पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं, पेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या क्या करना है, देखो मुझे चार चीजें बदलनी है, एक लेफ्ट आईडी, राइट आईडी, लेफ्ट सबनेट, राइट सबनेट, ये चार चीजें मुझे डालनी है, ठीक है? ये मुझे कहां से मिलेंगी मैं आपको बता देता हूं। आपने जो वहां से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करी थी, अभी आपको याद होगा साइट टू साइट में जाके मैंने डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन करा था और जेनरिक पे क्लिक किया था और फिर मेरी ये फाइल डाउनलोड हुई थी। आप इसे अब ओपन कर लें, इसके अंदर आपने जाना है, मैं आपको बता देता हूं, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कहां जा रहा हूं। देखिए मैं नीचे आ रहा हूं, ठीक है? मैं नीचे आया, यहां देखें आपके पास दो चीजें आ रही हैं, कस्टमर गेटवे इनसाइड आईपी एड्रेस शुड बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर टनल इंटरफेस। आउटसाइड आईपी का मतलब है पब्लिक आईपी, इनसाइड का मतलब है प्राइवेट आईपी। आपने आउटसाइड आईपी पे जाना है और जो कस्टमर गेटवे की आईपी है इसे आप कॉपी करें, कंट्रोल सी करें आप, ठीक है? और इसे कॉपी करने के बाद जो अभी मैंने नोटपैड बनाया नए वाला, इसमें जाके आप यहां लेफ्ट आईडी जो है यहां आप पेस्ट कर दें, ये सब हटा दें और यहां पे इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। तो यहां मेरी कस्टमर गेटवे की आईपी आ गई। राइट साइड में आनी है मेरी कहां की, बताइए आप, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की। तो यहां पे इसके नीचे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की आईपी दी है, इसे आप कॉपी करें और
यहां न्यू टैक्स डॉक्यूमेंट में जाएं, इसे आप पेस्ट कर दें, ठीक है। दो काम हो गए। अब आपको सबनेट तो पहले से खुद ही याद है, लेफ्ट सबनेट कौन सा है, देखो यहां लिखा है कस्टमर लिखा था ना अभी, ये कस्टमर एंड, तो कस्टमर एंड का सबनेट क्या था मेरा, मैंने आपको बताया 10.2.0.0, आपने भी सेम ही लेना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो लैब करते टाइम, और स्लैश 16, तो ये मेरे कस्टमर का हो गया। अब AWS एंड लिखा है, देखो AWS साइट, तो AWS साइट का मैंने क्या लिया था, 10.1 लिया था, तो वो आप यहां लिख दें 10.1.0.0/16। तो ये चार चीजें मैंने कर दी। अब आप इसे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करके मिनिमाइज करें, पुटी ओपन करें, और यहां कुछ नहीं करना, जस्ट माउस का राइट क्लिक कर दें इसे ओपन करके, माउस का राइट क्लिक करेंगे अपने आप पेस्ट हो जाएगा, हो गया परफेक्ट है। अब आपने कुछ नहीं करना, आप शिफ्ट दबा के कॉलन दबाओ और डब्ल्यू क्यू टाइप करो और एंटर कर दो, ठीक है जी, मैं बाहर आ गया, मेरा काम परफेक्ट हो गया, ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने एक कमांड और लिखनी है, कमांड बहुत सारी है इसमें, इसीलिए ये सबसे एडवांस लैब है, ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में कराई नहीं जाती। vim स्पेस स्लैश etc स्लैश ipsec.d स्लैश aws - vpn डॉट सीक्रेट्स, ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी का नाम है सीक्रेट्स के लिए, जो हमारे कीज हैं, जो हमारे उसके लिए है। अब आप इसमें एंटर करें, अब यहां भी आपको कुछ डालना है, तो वो हम यहां नहीं डालेंगे, पहले से बना लेंगे, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, उसमें एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं हमारे, तो आप इसे मिनिमाइज कर लें आप पुटी को अभी, ठीक है। अब एक फॉर्मेट हम उठाते हैं, वही जो मेरी सारी कमेंट्स जहां पे लिखी है यहां पे, तो तीसरे नंबर का काम मुझे क्या करना है, ये वाला करना है, देखिए अभी मैंने ये कमांड लिखी है वहां पे, तो उसके बाद मुझे क्या एंटर करना है, ये चीजें, यानी पहले कस्टमर की आईपी लिखनी है, उसके बाद गेटवे की आईपी लिखनी है, उसके बाद जो मेरी पब्लिक शेयर की है वो मुझे यहां पे लिखनी है, तो वो मुझे वहां पेस्ट करनी है, तो ये फॉर्मेट आप कॉपी कर लें, ठीक है ना, ये फॉर्मेट मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं और दोबारा उसी नोटपैड में जा रहा हूं जो मैंने बना रखा था न्यू टैक्स डॉक्यूमेंट के नाम से, इसे ओपन किया, तो ये तो काम मेरा हो गया। नीचे आ जाते हैं, अब यहां पे आपने पहले कस्टमर पब्लिक आईपी डालनी है, तो आप कस्टमर पब्लिक आईपी डालने, यही है कस्टमर गेटवे वाली, तो आप इसे कॉपी कर लें, कर लिया, इसके बाद आप नोटपैड में जाएं, यहां आप इसकी जगह उसे पेस्ट कर दें, कर दिया। अब आपने गेटवे की डालनी है, तो ये मेरी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की आईडी है, ठीक है ना, इसे आप कॉपी करें कंट्रोल सी करके। अब आप न्यू डॉक्यूमेंट में जाएं, यहां आप इसको हटा के, क्योंकि ये सब वही लिखा है कि आपने डालना क्या है, वो चीज यहां पे लिखी है, आप इसे पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दिया। अब यहां पे आपने शेयर्ड की डालनी है, तो यहां पे वो की आएगी, तो की कहां मिलेगी, ऊपर जाइए आप, इसी जो डाउनलोड की है आपने फाइल इसी में, यहां आपको नजर आ रही है प्री शेयर्ड की, PSK बोलते हैं इसको, ठीक है, तो प्री शेयर्ड की है ये, मैं शायद कुछ और टर्म इस्तेमाल कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, प्राइवेट या पब्लिक शेयर्ड की बोला था मैंने, हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, मसला नहीं है, ठीक है, तो प्री शेयर्ड की बोलते हैं, इसे आप यहां से सिलेक्ट करें पूरे को, कॉपी करें, ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप अपने किसी टैक्स डॉक्यूमेंट जो आप वहां काम कर रहे थे यहीं पर जाएं और यहां इसको हटा के शेयर्ड की को जगह पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी कर दें, तो अब मेरा पूरा फॉर्मेट सेट हो चुका है, तो मुझे वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से जो भी मुझे करना था काम मैंने नए टैक्स डॉक्यूमेंट में कर लिया है। तो अब आप इस पूरे को सिलेक्ट करें कंट्रोल सी, ठीक है, और अब आप जाएं अपने पुटी पे और जाके जस्ट राइट क्लिक कर दें, कर दिया। अब आप वही काम करें, आपने शिफ्ट दबा के कॉलन का बटन दबाना है और डब्ल्यू क्यू करना है और एंटर करना है, हमारा काम हो गया जी, परफेक्ट हो गया। अब जरा चेक कर लेते हैं, तो आई विश कि भैया सब कुछ अच्छा हुआ है, एरर कोई नहीं आना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि बड़ी लंबी लैब है, अगर एरर आ गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। chk config, अब आप कमांड टाइप करें chk config स्पेस ipsec स्पेस ऑन, ठीक है, तो मैं अब जरा आईपी सिक्योरिटी ऑन कर देता हूं, एंटर पे करता हूं, परफेक्ट है जी, परफेक्ट, चलो एक स्टेप तो हो गया। सर्विस स्पेस ipsec स्पेस स्टार्ट स्टार्ट, ये भी हो गया है। अब जरा हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, सर्विस स्पेस ipsec स्पेस स्टेटस, यहां हमें एक्टिव नजर आना चाहिए,
परफेक्ट है जी, मजा आ गया, एक्टिव आ रहा है जी, एक्टिव रनिंग है। ठीक है जी, हमने वीपीएन एस्टेब्लिश कर दिया, ये अब तक की सबसे डिफिकल्ट लैब है इस सीरीज में। अगर ये आपने कर ली तो यकीन माने आप एडब्ल्यूएस के उस्ताद हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इंटरव्यू में अगर ये आपने वहां करके दिखा दिया ना, बंदे ने आपको सिलेक्ट कर लेना है मुंह मांगी कीमत पे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, और मुझे ना भूल जाना उसके बाद। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, और वीडियो भी शेयर करना। हाँ चलो यार, तो फाइनली एक्टिव हो गया, तो देखें जाके टनल हमारी अप हुई है कि नहीं हुई है। तो इसे आप मिनिमाइज करें, इसे भी आप हटा दें, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाएं अपने कंसोल पे और जरा मुंबई रीजन में चलते हैं, क्योंकि मुंबई रीजन में ही ये मेरा साइड टू साइड पड़ा हुआ है, देखें साइड टू साइड वीपीएन। अब इस पे आप जाके ऊपर करें इसे और जरा टनल का स्टेटस देखें, गजब है जी, अप हो गया एकदम मजेदार। अब फाइनल काम क्या करके देखना है, पिंग करके देखना है। तो पिंग क्या करेंगे हम, पिंग हमें दूसरे साइड की जो है आईपी करनी है। तो अगर हमारी वहां पे कोई आईपी पड़ी है तो हम उसे पिंग करके देखते हैं, हालांकि हमारी टनल अप हो चुकी है। ठीक है, तो अगर वहां हमारा कोई इंस्टांस पड़ा हुआ है तो उसे हम पिंग करके देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मुंबई रीजन में एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि लैब हमारी परफॉर्म हो गई है। तो मुंबई रीजन में जाते हैं, यानी AWS साइड में जाते हैं, EC2 पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप रनिंग इंस्टांस पे जाएं, यहाँ आप लॉन्च इंस्टांस पे जाएं, यहाँ आप लिनक्स मशीन सिलेक्ट कर लें, T2 माइक्रो रखें, नेक्स्ट करें, यहाँ पे VPC आप अपने वाला ले लें AWS साइड वाला, और पब्लिक IP इनेबल कर दें, और नहीं करना चाहते तो आप ना भी करें, क्योंकि आपने तो प्राइवेट आईपी बनाई हुई है, पर ठीक है आप इनेबल कर दें, कोई मसला नहीं, हम प्राइवेट से एक्सेस करेंगे। आप ऐड स्टोरेज करें, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, टैग नहीं देना, कुछ जरूरत नहीं है अभी आप कुछ देने की, और यहाँ पे इसे एनीवेयर कर दें, पिंग भी करके देखना है, और आप रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें, लॉन्च पे क्लिक करें, की पेयर आप कुछ भी ले लें, न्यू करके ले लें, आप डाउनलोड कर दें, और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें। तो एक बार ये इंस्टांस लॉन्च हो जाए, हमें जस्ट इसकी आईपी चाहिए ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है अब किसी सर्वर के साथ कि नहीं। तो सपोज करें कि ये मेरा AWS के रीजन में मुंबई में मेरा कोई सर्वर पड़ा है जो मुझे एक्सेस करना है घर बैठ के, तो अब मैं उस सर्वर को एक्सेस करूंगा, तो मैंने वो सर्वर बना दिया अपना डेटाबेस सर्वर या व्हाटएवर जो भी आप कह लें। ठीक है ना, तो AWS सर्वर ये मैंने बना दिया, तो अब इसकी बस आईपी एक बार आ जाए, पब्लिक आईपी, तो प्राइवेट आईपी, तो देखिए इसकी प्राइवेट आईपी आ गई है, तो इसे हम कॉपी करते हैं। मैंने सर्वर्स AWS साइड में जो मैंने एक इंस्टांस क्रिएट किया है अभी, अब इसकी प्राइवेट आईपी मैंने कॉपी कर ली, और मैं देखता हूँ कि क्या मैं अपने घर बैठ के सिंगापुर में मैं क्या इसे प्राइवेट आईपी को अब एक्सेस कर पाऊंगा, यानी AWS पर टनल के थ्रू, VPN के थ्रू। तो यहाँ आप कमांड दें पिंग स्पेस और ये प्राइवेट आईपी पेस्ट कर दें और एंटर करें। अच्छा, अभी वो इंस्टांस रेडी नहीं हुआ है, राइट? तो एक बार वो रेडी हो जाए, मैं थोड़ा ज्यादा ही जज्बाती हो गया मुझे लग रहा है अभी तो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, तो ये इनिशियलाइज हो जाए, देन विल डू। अब हो जाएगा, मतलब कोई मसला नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको फाइनल तक दिखाता हूँ, और एंड में मैं आपको डिलीट भी करके दिखाऊंगा सब कुछ, ताकि आप डिलीट जरूर कर दें, ताकि आपका बिल ना बने। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंसिव लैब टिल डेट, अब तक की मेरी सबसे लंबी लैबों में से एक है ये। दो तीन लैब है जो मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा कराई है, और मतलब आपको कहीं जनरली नहीं मिलेंगी, और इस डिटेल के साथ नहीं मिलेंगी, इसीलिए शायद ये इतना लंबे लंबी लैब है, इसका टाइम बहुत लंबा है, आपको देख के लग रहा होगा यार इतनी लंबी लैब कौन पढ़ेगा, बट अगर आपने ये पढ़ ली यकीन माने आप उस्ताद हो जाएंगे AWS के। ठीक है, आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप खुद AWS पढ़ाते हैं तो आपके लिए भी मेरे लेक्चर्स बहुत यूजफुल हैं, आप तो कोचिंग दे सकते हैं मेरे लेक्चर पढ़ के। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे लेक्चर पढ़ के वो कोचिंग दे रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज को करें यार, मेरा पर्पज ही है, मैं इसे अपने साथ लेके नहीं रखना चाहता, मेरा पर्पज है कि मैं अपने सभी दोस्तों अपने भाइयों के साथ जो पूरी दुनिया में हैं और AWS सीखना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो यार मैं सिर्फ वो जरिया बनना चाहता हूँ आपकी कामयाबी का, और मुझे बस उसी में खुशी मिलती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई, कई सारे लोग मुझे ऑनलाइन कहते हैं कि सर यार आप हमें ट्रेनिंग दे दें पर्सनली, या आप हमें पर्सनली पढ़ा दें, मैं कहता हूँ यार जरूरत ही नहीं है, जब सब कुछ मैंने यूट्यूब पर डाल दिया तो क्यों आप मुझे पैसे देना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। आपने कुछ करना है, हाँ आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं हम, ताकि उससे नए रिसोर्सेज ले पाएं और अच्छा कैमरा और अच्छी चीजें ले पाएं, बट यार आप हमें पैसे ना दें, आप हमसे कोचिंग ना लें, क्योंकि वो सब कुछ मैं आपको मेरे भाई पढ़ा रहा हूं, मैं वहां भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कुछ नया थोड़ी पढ़ा दूंगा आपको, और जो कुछ मैं वहां पढ़ाऊंगा, जो नई चीजें वहां पढ़ाऊंगा वो आएंगी, वो मेरे चैनल पे ही आ जाएंगी, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ, सब कुछ, डोंट वरी, और इतना डिटेल पढ़ा दूंगा कि दुनिया में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। तो अब जरा मैं देखता हूँ मेरा ये रेडी हो गया जी, हो गया रेडी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और एक बार कंट्रोल सी दबा दें तो आप बाहर आ जाएंगे पिंक से। ठीक है,
पिंक से बाहर आ गए। अब मैं दोबारा पिंक करता हूँ, पिंक टाइप करें आप और उसके बाद स्पेस देके राइट क्लिक कर दें, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। अब एंटर करते हैं, ये अभी हमें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, वैसे सब कुछ परफेक्ट हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार फिर भी हम ट्रबल शूटिंग करके देख लेते हैं। तो जरा, तो मुंबई के आप EC2 इंस्टांस में आए, सिंगापुर में तो मैंने ऑलरेडी ICMP और TCP बना दिए थे, यहाँ नहीं मैंने बनाए थे, ठीक है ना? तो वो मैंने यहाँ SSH करके छोड़ दिया था। तो आप रनिंग इंस्टांस पे आए सिंगापुर मुंबई रीजन के अंदर, यानी AWS साइड में, और यहाँ सपोज ये मेरा AWS सर्वर है, इसके आप सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएं, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप, इस पे आप क्लिक करें लॉन्च विजार्ड पे। यहाँ आप इस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करें तो आपको इनबाउंड रूल नजर आ रहे हैं। देखिए मैंने SSH बस डाला है, आप एडिट करें और यहाँ आप ऐड रूल करें और यहाँ आप करें ऑल ICMP और यहाँ एनीवेयर कर दें और इसे सेव कर दें। कर दिया जी। अब मैं दोबारा पुट्टी ओपन करता हूँ, अब दोबारा देखते हैं सेम कमांड कर, ये देखिए जी परफेक्ट है जी, अपने आप आ गया, मुझे अभी करना ही नहीं पड़ा, रेस्पॉन्स आने लगा। ठीक है, वो बस उसकी वजह से, वो एक जो है ना, वो कहते हैं ना कई बार की जी, इस वजह से आपकी वो रुक रही थी, क्या बोलते हैं उसे, कृपा रुक रही थी, है ना? तो इस वजह से हो रहा था जी, आपने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं इनेबल किया था। तो वही मैं कहूँ यार, सब कुछ अप हो गया और एंड में यार जो जिस काम के लिए सारी ये जद्दोजहद चल रही थी वो हो नहीं पा रहा। तो चले जी, ये परफेक्ट हो गया, आपको रिप्लाई मिल रहा है। अब आप दूसरी तरफ से भी अगर पिंग करेंगे ना, आप सपोज मुंबई के सर्वर से उसकी आईपी को, पब्लिक आईपी को पिंग करेंगे, वो भी पिंग हो जाएगा, आप दोनों हो जाएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी ग्रुप का इशू हमारा आ गया था। तो आई होप लैब आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, इसके बाद डिलीट करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसे कंट्रोल सी करके आप पहले से पिंग को बंद कर दें, आप इस RDP को भी बंद कर दें, क्योंकि आप लैब परफेक्ट हो चुकी है, ओके कर दें। तो आप सबसे पहले आप सर्विसेज में जाएं, अपने EC2 इंस्टांस डिलीट करें। तो आप रनिंग इंस्टांस पे आए, अपने इंस्टांसिस को आप डिलीट कर दें, एक्शन में जाएं, इंस्टांस स्टेट में जाएं, टर्मिनेट करें, यस टर्मिनेट करें, इंस्टांस डिलीट हो गया। अब आप अपने VPC पे जाएं और बाकी चीजें वन बाय वन डिलीट कर दें। सबसे पहले आप यहां पे आ जाएं कस्टमर गेटवे पे, एक्शन में जाएं, डिलीट करें, यस डिलीट करें, अभी ये यूज में दिखा रहा है, अभी इंस्टांस डिलीट हो जाए पहले। साइड टू साइड VPN पे जाएं, इसे आप डिलीट कर लें, डिलीट पे क्लिक करें, डिलीट करें, यह आपका डिलीट होने लगा। इसके बाद आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे जाएं, इसे आप एक्शन में जाएं, डिलीट करें, मैंने पहले डिटैच कर दिया था ये अभी जस्ट, तो डिटैच हो गया है, अब आप इसे डिलीट कर दें। पहले अगर आपका डिटैच नहीं हुआ है तो पहले डिटैच करें फिर डिलीट करें, ठीक है? तो ये भी डिलीट हो गया है। अब आप कस्टमर गेटवे पे जाएं, तो ये सब तभी डिलीट होंगे जब आपका EC2 इंस्टांस डिलीट हो जाएगा। तो पहले आप EC2 इंस्टांस डिलीट करें, उसके बाद इसे करें। सिमिलरली आप दूसरे रीजन में कर सकते हैं। तो समझ आ गई आपको, वहां पे तो खैर आपने कुछ बनाया ही नहीं है, वहां पे तो आपने सिर्फ EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है और VPC किया है, तो वो VPC जरूर आप डिलीट कर दें, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी मैं VPC डिलीट कर देता हूँ और सारी चीजें आप डिलीट कर दें, मेक श्योर। तो चलिए चलते हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ और बात खत्म करते हैं किसी खूबसूरत शेर के साथ। हाँ जी, तो लैब हमारी हो गई है और फाइनली सक्सेसफुली डन कर दी हमने। थोड़ा सा मसला भी आया था बीच में कि वो EC2 इंस्टांस का सिक्योरिटी ग्रुप हम लेना भूल गए थे, उसमें TCP अलाउ करना, तो उस वजह से थोड़ा इश्यू हुआ, ICMP TCP हम भूल गए। तो चलिए फाइनली हमारी लैब सक्सेसफुली हो गई। आई होप आपको मजा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, अब आपको लग रहा होगा कि AWS में मैक्सिमम चीजें हमारे काबू में है, हमें आने लगी हैं। तो चलिए आज शेर आपको सुनाते हैं। एक शेर मुझे याद आता है, ये जो कोरोना बीमारी है इसको, इसके ऊपर एक शेर कहीं मैंने देखा था कि ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये शेर। तो चलिए मिलते हैं किसी और खूबसूरत लेक्चर के साथ, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।